Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing units and measurements, and this is lecture number 5. I hope you have already watched part 1 to part 4 before watching this part 5. In this class, we are going to discuss about the absolute error, relative error, and percentage error. So, what is absolute error? So, we are going to discuss about the absolute error first. जैसा कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था और पिछली क्लास में हमने बात की थी कि जो ट्रू वैल्यू होती है हम ऑब्जर्वेशन कई बार करते हैं और ऑब्जर्वेशन में कई बार करने के बाद हम क्या करते हैं उसका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि कंसीडर पहले मीन अरिथमेटिक मीन क्या होगा इसका उसको ट्रू वैल्यू कहेंगे। तो ट्रू वैल्यू इज व्हाट ट्रू वैल्यू वैल्यू क्या होता है और एक्चुअल वैल्यू। ट्रू वैल्यू ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ एनी मेजरमेंट मेजरमेंट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन राइट अरिथमेटिक मीन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो लेट A1, A2, A3, A4, An आर एन ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन इन एन मेजरमेंट इन ए मेजरमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट देन अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए मीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन A1, A2, A3 अप टू An ये कह सकते हैं डिवाइडेड बाई एन दिस इज ए मीन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू वैल्यू। इसको ऐसे भी कह सकते हैं सिग्मा ए आई I is equal to 1 to n divided by n. So, ये arithmetic mean. इसी को हम true value भी कह सकते हैं कि इसी को हम true value कह सकते हैं दूसरा कोई उपाय नहीं है true value और actual value मान सकते हैं ठीक है। अब जो ये value आएगी mean वो A1 तो नहीं होगी A1 से थोड़ा different होगा A2 से भी different हो सकता है A3 से भी different हो सकता है। तो ये A1 से कितना ज्यादा डिफरेंट है इसको हम एरर कहेंगे क्योंकि ट्रू वैल्यू से अगर ज्यादा या कम है तो क्या कहलाता है एरर कहलाता है। तो एरर जो होगी वो होगी इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो इस ऑब्जर्वेशन में एरर होगी इसी तरह से इस ऑब्जर्वेशन में अलग एरर होगा इस ऑब्जर्वेशन इससे सम डिफरेंट मैग्नीट्यूड से डिफरेंट होगा है ना ये कुछ अलग होगा। जैसे मैं मान लूं कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि आपने चार ऑब्जर्वेशन लिए चार या पांच ऑब्जर्वेशन लिए किसी चीज का और ये मान लीजिए कि ऑब्जर्वेशन हमारा 1.2 सेंटीमीटर है ये 1.2 सेंटीमीटर 1.22 सेंटीमीटर 1.24 सेंटीमीटर ये ऑब्जर्वेशन आ गया हमारा 1.18 सेंटीमीटर एंड 1.16 सेंटीमीटर ऐसा कुछ आ गया। ये पांच ऑब्जर्वेशन हमने ले लिए और पांच ऑब्जर्वेशन में आपकी मेजर्ड वैल्यू ऐसे आ गई तो इसका ट्रू वैल्यू क्या होगा। तो ट्रू वैल्यू आप करोगे तो 1.20 1.22 1.24 प्लस 1.18 प्लस 1.16 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1.20 है ना क्योंकि ये देखो ये जितना इधर 2 ज्यादा इधर 2 कम है इधर 4 ज्यादा इधर 4 कम है तो कुल मिला के आ जाएगा 1.20। तो ये 1.20 क्या हो गया इसकी ट्रू वैल्यू हो गई ये हो गया ए मीन ऑब्जर्वेशन दैट इज ट्रू वैल्यू मान लेते हैं समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं ऐसे कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया नहीं एक एग्जाम्पल लिया और इतना आ गया इतना सेंटीमीटर हो गया। तो ये इससे ये पहला ऑब्जर्वेशन था हमारा A1 मान लीजिए और ये है A2 और ये है A3 और ये है A4 और ये है A5। तो A1 से ये जो A मीन है वो क्या है कितना डिफरेंट है कुछ भी नहीं जीरो है हो भी सकता है ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि जीरो डिफरेंस है।
इसमें कितने का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है, तो इसमें एरर प्लस 2 हो गया। इसमें प्लस 4 का डिफरेंस है, इसमें माइनस 2 का डिफरेंस है, इसमें माइनस 4 का डिफरेंस है, तो ये डेल्टा ए वन, इस एरर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा ए वन से। और डेल्टा ए वन क्या होगा, तो ए वन माइनस ए मीन, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.20 माइनस 1.20, दैट इज जीरो। डेल्टा ए टू, ये हो गया, ए टू वैल्यू हमारी है 1.22, ए टू माइनस कितना, ए मीन, लिख लेता हूं इसको, ए टू माइनस ए मीन, तो ये हो जाएगा ए टू माइनस ए मीन, तो ये हो जाएगा कितना, 1.22 माइनस 1.20 यानी 0.02, ये आ गया। इसी तरह से डेल्टा ए थ्री, हम करेंगे ए थ्री माइनस ए मीन, तो ये आ जाएगा कितना, 1.24 माइनस 1.20 यानी 0.04, ये प्लस में आ रहा है। जबकि डेल्टा ए फोर करेंगे तो ये आ जाएगा ए फोर माइनस ए मीन, ठीक है। तो इस तरीके का अगर ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें आएगा 1.18 माइनस 1.20, ये आ गया माइनस 0.02। और डेल्टा ए फाइव की अगर बात करें, फाइव माइनस ए मीन, तो इसको हम कहेंगे कि 1.16 माइनस 1.20, दैट इज माइनस 0.04। ये सब कहलाएगा क्या, ये सब जो एरर है इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर, और इसके मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं एरर। यानी ये तो अभी कुछ निगेटिव आया, कुछ पॉजिटिव आया, तो इसके मैग्नीट्यूड अगर हम लें तो उस एरर को हम कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कितना है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, इसके मॉडुलस को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो इसके मॉडुलस को अगर हम लें तो इसको हम कहेंगे कि एब्सोल्यूट एरर, ये मॉडुलस, मॉडुलस लेने पे वैल्यू सारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो मॉडुलस ऑफ ऑल दीज आर कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, इसके मॉडुलस। और मॉडुलस लेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव नंबर होता है उसका मॉडुलस तो पॉजिटिव ही होता है, जो निगेटिव होता है उसका मॉडुलस क्या होता है, उसका मॉडुलस भी पॉजिटिव हो जाता है। तो 0.02, ये हो गया 0.04, और यहाँ पे तो 0 ही है। अब इनके सबको, ये सारे जो है, दीज आर कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ, अब डेफिनेशन की अगर बात करें तो एब्सोल्यूट एरर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसे कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट एरर एरर्स आर द डिफरेंसेज, ठीक है, डिफरेंसेज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स फ्रॉम ट्रू वैल्यू, फ्रॉम मेजरमेंट्स फ्रॉम ट्रू वैल्यू वैल्यू, ठीक है। तो इफ ए वन ए टू ए थ्री इफ ए टू ए थ्री अप टू एन आर एन ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशंस एंड ए वन ए टू ए थ्री आर इन ऑब्जर्वेशंस देन एब्सोल्यूट एरर्स आर डेल्टा ए वन दैट इज मॉडुलस ऑफ ए वन माइनस ए मीन डेल्टा ए टू इज इक्वल टू ए टू माइनस ए मीन एटसेट्रा। सिमिलरली ए डेल्टा ए एन, डेल्टा ए एन इज व्हाट, सिमिलरली डेल्टा ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस ए मीन, राइट, दीज आर कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, आर कॉल्ड
एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरर्स भी, एब्सोल्यूट एरर भी अलग अलग हो सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर भी अलग अलग हो सकते हैं, और ये अलग अलग एब्सोल्यूट एरर जो हैं, इनकी मेजरमेंट्स भी, इनका भी हम मीन अगर निकाल लें तो हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकलेगा। तो इसलिए ऐसे जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका अगर मीन निकाल लें तो उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर, एरर्स। द अरिथमेटिक मीन इट इज नथिंग एल्स बट द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एरर्स, ठीक है। तो अब यहां पे डेल्टा ए मीन क्या हो जाएगा, यानी एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर, डेल्टा ए ए मीन इज इक्वल टू डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री, है ना, और ये है डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाई एन, और ये सब मोडुलस में है ना, ये सब मोडुलस में है, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे आप ऐसे चाहे तो लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा क्या, एब्सोल्यूट मीन एरर। अब किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू, ये वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है, अगर उसकी वैल्यू जो है वो ये कहेंगे रेंज, तो अगर ए की कोई वैल्यू है, ए उसकी वैल्यू है, तो ए डेल्टा ए मीन से ये वैल्यू जो है एब्सोल्यूट ए मीन, डेल्टा ए मीन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, जो मीन होती है उससे माइनस भी हो सकता है, डेल्टा ए मीन इन दोनों के बीच में, यानी एब्सोल्यूट एरर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो ये रेंज देगा, बेसिकली ये क्या देगा, रेंज। तो ये है डेल्टा ए मीन, यानी ये पूरा का पूरा अगर वैल्यू को हम, तो ये एक रेंज देगा और इसके बीच में ये वैल्यू लाई करेगा, ठीक है ना। तो किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू जो है इस रेंज में लाई करती है, ये जो एब्सोल्यूट मीन एरर है वो मीन वैल्यू से प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, तो ये रेंज दिया, दैट इज द रेंज ऑफ वैल्यू, व्हाट दिस गिव, दिस इज द रेंज ऑफ मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, कहीं पर लिखेंगे तो एक मेजर्ड वैल्यू को लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इसका मतलब ये हुआ कि ए में ये डेल्टा ए प्लस भी हो सकता है और माइनस ए भी हो सकता है, तो इसलिए इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब बारी आती है कि रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर किसे कहेंगे, रिलेटिव एरर किसे कहते हैं। तो ये है, रिलेटिव का मतलब हुआ कि रिलेशन, किसके रिलेशन में, तो एब्सोल्यूट मीन एरर का, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट मीन एरर और मीन वैल्यू का रिलेटिव। तो द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट मीन एरर, मेन एरर टू द मेन वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, दैट इज रिलेटिव एरर इज, एरर इज डिफाइंड एज व्हाट, डेल्टा ए मीन, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए मीन, इसको कहेंगे रिलेटिव एरर, कि इस एवरेज मीन वैल्यू के साथ एवरेज एब्सोल्यूट मीन वैल्यू कितना है, तो इसकी रेशियो कहेंगे रिलेटिव एरर, ठीक है। तो एक टर्म और आता है और उसको हम कहते हैं परसेंटेज एरर,
किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एरर को जब रिलेटिव एरर को परसेंटेज में बदल देते हैं तो उसको हम कहते हैं परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर इज नथिंग एल्स बट व्हेन रिलेटिव एरर इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कॉल्ड परसेंटेज एरर। ठीक है, सो परसेंटेज एरर इज नथिंग एल्स, एरर इज डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, यही है ना रिलेटिव एरर। ए मीन और किसी भी चीज को परसेंटेज बदलने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 100% इनफैक्ट होता कितना है, 100% जो होता है वो 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है एरर, तो उसको हम कहते हैं परसेंटेज। सो लेट अस कंसीडर वन न्यूमेरिकल टू जस्ट एक्सप्लेन दिस। फाइव सक्सेसिव मेजरमेंट्स ऑफ पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आर 2.63 सेकेंड्स, 2.80 सेकेंड्स, 2.42 सेकेंड्स एंड 2.71 सेकेंड्स। ये मान लेते हैं कि फाइव सक्सेसिव ऑसिलेशंस का पीरियड है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, एक कंप्लीट ऑसिलेट करने में इसको लगता है इतना सेकेंड। अब इस ऑब्जर्वेशन से ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन फाइंड एब्सोल्यूट एरर एरर, रिलेटिव एरर एरर एंड परसेंटेज एरर, एरर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो हम मीन निकालें, और मीन कैसे निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सो मीन ऑब्जर्वेशन इज व्हाट, 2.63 प्लस 2.80 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 एंड होल डिवाइडेड बाय 5, 3 प्लस 6 9, 9 टू 11 12 कैरी 1, 617 and 815 and 520 and 424 and 731. So 1 carry 3, 2 5 and 2 7, 2 9, 2 11, 2 13. 13.12 divided by 5. So 5 2 ja 10, right? And 5 6 ja 30 and 5 2 ja 10 and 5 4 ja 20. So 2.624, this is the A mean. Now if I can take it approximately 2.62, so absolute error in first observation is delta A1 is equal to what, 2. A mean A1 minus A mean, A1 minus A mean, A1 minus A mean, ये होता था। So हम क्या लिखेंगे इसमें, और इसका मोडलस लेना है, तो मोडलस लेना है तो हम ये लिख देंगे ऐसा, तो ये होगा ए वन ऑब्जर्वेशन हमारा क्या था, 2.63, इसमें से 2.62 सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 0.01। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, निगेटिव आएगा तब भी पॉजिटिव लेना है। सिमिलरली डेल्टा ए टू अगर कैलकुलेट करना हो तो ये क्या हो जाएगा,
2.80 माइनस 2.62, और 2.80 में से 2.62 हटा देंगे तो ये मिलेगा 0.18, ठीक है, ये मिलेगा 0.18। इसी तरह से डेल्टा A3 अगर निकालना हो तो हमें क्या करना है, 2.56 में से 2.62 घटाना है तो ये मिल जाएगा माइनस 0.06, लेकिन मॉडुलस लेना है तो ये 0.06 हो गया। डेल्टा A4 अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.42 माइनस 2.62, ये हो जाएगा माइनस में 0.20, है ना, ये अब हम कैलकुलेट करें तो 0.20। इसी तरह से डेल्टा A5 की बात करें तो ये हो जाएगा 2.71 माइनस 2.62, अब ये हो गया 0.09, ठीक है, ये हो गया 0.09। अब इन सबको अगर हम एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट निकालना हो तो इन सबको क्या करना होगा, प्लस करना होगा, तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज देयरफॉर मीन एब्सोल्यूट एरर इज गिवन बाय डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5, है ना, ये डिवाइडेड बाय 5, सो व्हाट विल कम, दैट इज 0.01 प्लस 0.18 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 एंड होल डिवाइडेड बाय हाउ मेनी, 5, सो 9 एंड 6 15 एंड 8 15 एंड 8 23 एंड 1 24, सो दैट विल बी 4 एंड 2 2 4 एंड 1 5, सो दिस इज 0.54 डिवाइडेड बाय 5 एंड व्हाट विल कम, if you divide it, it will be 0.11 approx, right na, 11 approx, just approx to this 11। to ye absolute mean error ho gaya, ab aapko nikalna tha kya, relative error, so now relative error is defined as what, kya hota hai, delta a mean upon a mean, yahi hota hai, so this is 0.11 and a mean कितना आया था हमारा, 2.62 आया था, देखो यहाँ से 2.62, तो ये 2.62, this is 2.62, अब इसमें decimal हटा देंगे तो 11 upon 262 हो गया। इसको अब हम कहेंगे relative error, अगर इसको decimal में convert करना चाहोगे तो ये 0. क्या हो जाएगा, 110 में भाग लगेगा नहीं, so क्या करेंगे हम, एक जीरो रख देंगे तो ये हो जाएगा 1100, और 1100 में इससे भाग देंगे तो ये 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, लगभग 4 आ जाएगा, तो 0.04 ये हो गया रिलेटिव एरर। अब परसेंटेज एरर की बात करें, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर क्या होता है, तो रिलेटिव एरर इनटू 100% यही होता है, सो रिलेटिव एरर को परसेंटेज में बदल देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100%, दैट इज परसेंटेज एरर, सो नथिंग एल्स, ये रिलेटिव एरर जो आया है 0.04 को 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहेंगे कि 4% जो है वो परसेंटेज एरर के रूप में आ गया, कितने एरर आ गए, 4%, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर वैल्यू को लिखना हुआ तो वैल्यू को कैसे लिखेंगे, एंड देयरफॉर measured value that is true measured value right here, true measured value can be described value, true measured value value will be described as 2.62, ठीक है, और प्लस माइनस एब्सोल्यूट मेरे एरर कितना आया है, 0.11 ये आया, तो आप वन सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखोगे तो 0.11, ये 2.62 प्लस माइनस 0.1, सो दैट कैन बी रिटन एज, ये आ गया, ये अनसर्टेन था वन, ये सर्टेन है, तो 2.62 प्लस माइनस 0.1 दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर रहे थे उसकी वैल्यू को हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे।
ठीक है ना, इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस। सो आई होप यू गॉट इट, है ना, समझ में आ गया। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, जब हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और कई सारे तरह के एरर आते हैं, तो उसके बाद उन एरर का कॉम्बिनेशन होता है, और या दो तो अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू है और उसमें भी एरर है, दोनों में अलग अलग एरर है, तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होगा तब क्या होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि क्वांटिटी हमारी क्या हो रही है, एडिशन हो रही है कि सब्ट्रैक्शन हो रही है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है कि डिविजन हो रही है, और कितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से उसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होगा। तो इस बात की चर्चा हम अगली क्लास में करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या है, उस पर हम किस तरह के बात करेंगे, कैसे कंबाइन करते हैं एरर को और उसको फाइनल रिजल्ट में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इंजॉय कीजिए और पिछले लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, और फिर अगली क्लास में बात होगी। ठीक है।